डॉक्टर आर एन कालरा, कालरा हॉस्पिटल दिल्ली से बोल रहा हूँ। आजकल जैसे कि हर व्यक्ति को मालूम है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और कुछ केस इसके दिल्ली में भी रिपोर्ट हुए हैं। ये चाइना से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। इस बीमारी में खांसी, जुकाम, नाक में से पानी आना और सांस में दिक्कत आ सकती है। पहले ये खांसी जुकाम की तरह ही शुरू होता है। हर बंदा ये समझता है कि वो वायरल फीवर ही हुआ, जैसे कि आजकल जुकाम इन्फ्लुएंजा फैला होता है, बंदा समझता है कि हाँ वायरस ही हुआ। पर अगर आपको ये सिम्टम हो और अगर उस खांसी जुकाम बुखार के बाद कुछ दिन के बाद आपको लगे कि सांस में दिक्कत है या बढ़ गई है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से इलाज कराएं, एक्सरे करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये बीमारी अगर निमोनिया बन गया तो ये बीमारी घातक हो सकती है। इससे बचने के लिए आप जिसको खांसी है उसको बोलें कि मुंह वो अपना ढककर रखें और आप अपना मुंह भी ढककर रखें। अगर आपने मरीज को टच कर लिया है तो कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोएं, अपने पास रुमाल रखें, किसी को जुकाम लगा है खांसी लगे उसके पास ना जाएं, उसे दूर बैठें, अपना मुंह कवर करके रखें और जिस मरीज को ये बीमारी है उसको बोलें कि अपना मुंह ढक कर रखें, पानी खूब पिएं और अगर आपको खांसी जुकाम लग जाए तो इमीडिएटली उसका भी इलाज कराएं और सांस में दिक्कत आए तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर अपना एक्सरे तो कम से कम कराएं। अगर ये बीमारी निमोनिया की शुरुआत ले चुकी है तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराएं और हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाएं, एक कमरे में आइसोलेशन रखें ताकि बीमारी और लोगों को ना। अपना विटामिन का पिल लें, खुराक ठीक खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं और आपकी बॉडी में अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए इस बीमारी को फाइट करने के लिए। बचा सकते।